बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फ़ालतू पीसीस से हम किस तरह से फूल बना सकती हैं। इसके लिए मैंने एक सर्कल कटिंग किया है 4x4 इंच का। गत्ते के ऊपर आप किसी भी हार्ड पेपर पे कटिंग कर लें और आपके पास जो भी फ़ालतू पीसीस पड़े हैं, आपको 6 पीसीस चाहिए हैं, ये मैंने तय लगा के रख ली हैं। इसके ऊपर ये वाला सर्कल ड्रा कर लूँगी और ड्रा करने के बाद फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे। सेंटर में एक आप पिन लगा लें। पिन लगाने से हमारा सर्कल जो है, ये 6 तय हैं तो एक जैसी कटिंग हो जाएंगी। 6 पीसेस हमें चाहिए फ्लावर के लिए। ये देखें, फ्लावर को बनाने के लिए हमें जो 6 पीसेस सर्कल चाहिए थे वो हमारे पास आ गए हैं। अब एक एक सर्कल को हम लेंगी, इसको डबल फोल्ड करें और फिर इसको एक दफ़ा और आप इस तरह से फोल्ड कर लें। अब किनारे की तरफ हम इसको टांके लगा लेंगी सुई धागे के साथ। आपने रफ स्टिचेस लगाने हैं, तो इसी तरह से हम अपने सारे पीसीस को इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इसको एक ही धागे के साथ टांके लगा लेंगे। रफ स्टिचेस आपने लगाते जाने हैं। ये जो फ्लावर है, आप ड्रेसेस पे भी यूज़ कर सकती हैं, एक्सेसरीज में भी, होम डेकोर में भी, मल्टी इनका होगा यूज़। मैं इसको एक नेक लाइन पे यूज़ मैंने किया है इस वाले फ्लावर को, उसकी मैं पिक भी आपको इस वीडियो में एंड पे दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इस फ्लावर को यूज़ किया है। अब देखें, सबको हमने स्ट्रेच किया है और फिर आपस में मिला के, तो सेंटर में अच्छे से इसको आपने टांका लगा देना है, ताकि सारी पत्तियां आपने थोड़ी थोड़ी सी बाहर की तरफ स्ट्रेच करनी है और दरमियान में से आपने इनको सबको जॉइंट करते हुए टांका लगा लेना है। बहुत इजी है। आपके पास किसी भी किस्म का कोई फालतू पीसीस पड़े हैं, किसी भी कलर में पड़े हैं, आप इससे छोटा भी बना सकती हैं। अब सेंटर में हम एक पर्ल लगा लेंगी। ये बड़ा फ्लावर है तो मैं इसके लिए बड़े साइज़ का ही, ये देखें, पर्ल यूज़ करूँगी यहाँ पर। तो ये हमारा है रेडी फ्लावर। अब देखें, मैंने एक छोटा भी बना के रखा हुआ है। आप जिस साइज़ का चाहें इनको बना सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो गिफ्ट में एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।